लड़का ईंधन भरने ही वाला था कि उसने देखा कि कार की टेल लाइट गिर गई है। तभी अंदर से एक कागज का टुकड़ा बाहर फेंका गया। आदमी ने तेल बंदूक नीचे रख दी और जल्दी से उसे उठाया। तभी कागज पर संकट का संदेश मिला। लड़का कुछ कर पाता उससे पहले गाड़ी वहां से जा चुकी थी। वो लड़का तेजी से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और उसके पीछे चला गया। कुछ ही देर में वह महिला की कार के सामने रुक गया। उसने डाकू होने का नाटक किया और उससे हाथ ऊपर उठाने को कहा। महिला ने तुरंत अपना बैग उसे दिया और उस आदमी से उसे जाने देने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने बैग एक तरफ फेंक दिया और महिला को जल्दी से कार से बाहर निकलने के लिए कहा। फिर वो कार में बैठा, एक्सीलेटर पर लात मारी और चला गया। बस ऐसे ही कुछ चौराहों पर गाड़ी चलाए। अगले ही पल उस लड़के को ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर ने रोक लिया। तभी ऑफिसर ने उस लड़के से कुछ जानकारी पूछी। महिला ऑफिसर ने पाया कि कार की पिछली लाइटें गायब हैं। उसने तुरंत अपने सीनियर से कहा कि डिक्की के अंदर कोई है। ये सुनने के बाद ऑफिसर ने तुरंत उस आदमी को अपने वश में कर लिया। जब महिला ऑफिसर ने डिक्की खोली तो उसे एक लड़की मिली। उसी समय गाड़ी की मालकिन भी वहां आ गई और कहा कि उस आदमी ने उसकी कार चुरा ली है। फिर उसने लड़की को गले लगाया और उसे चुप रहने की धमकी दी। तभी महिला ऑफिसर ने पूछा कि क्या हुआ था। महिला ने तुरंत जवाब दिया कि उस आदमी ने उनका बैग ले लिया है और उनकी कार चुरा ली। हालांकि लड़की ने कहा कि सच्चाई वह नहीं है जो इसने कही है। ये पता चला कि लड़की ने कुछ समय पहले ही अपनी माँ को खो दिया था और वह अनाथ हो गई थी। वह केवल अस्थायी रूप से दूर अपनी मौसी के घर पर रह सकती थी, लेकिन उसकी मौसी हमेशा लड़की को नापसंद करती है और हर जगह उसे निशाना बनाती है। लड़की ने सोचा था कि नौकरी मिलते ही वह बाहर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसकी मौसी ने लड़की की ओर कुछ कपड़े फेंके और उसे जल्दी से उन्हें पहनने के लिए कहा। असहाय लड़की केवल वही मान सकती थी और वही कर सकती थी जो उसे बताया गया था। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर एक संकट संदेश लिखा। अगले ही पल उसकी मौसी ने उसे घर से बाहर खींच लिया और उसे डिक्की में छिपा दिया। ये सच्चाई सुनकर महिला ऑफिसर ने तुरंत उस जल्लाद महिला को पकड़ लिया। इस तरह एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मामूली लड़के के जरिए लड़की को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। दोस्तों, अगर आपको भी किसी की मदद करना पसंद है तो बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।